नवाबगंज पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। 6 दिन पहले गंगा बैराज किनारे मिला था 25 वर्षीय युवक का शव। गांव के युवक कन्हैया लाल ने हत्या कर शव को बांध कर था फेंका। दोस्त ने ही कर दी अपने दोस्त की निर्मम हत्या। आरोपी ने हत्या के बाद अपने दुश्मनों के घर के बाहर फेंक दिया था मृतक का शव। आरोपी की मोहल्ले के 3 युवकों से थी रंजिश। रंजिश के चलते आरोपी ने हत्या करने के बाद शव को विरोधियों के घर के सामने रस्सी से बांध कर फेंका था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। आरोपी पर मारपीट का पहले से दर्ज है मुकदमा। नवाबगंज पुलिस ने किया पूरे मामले का खुलासा। आठिया न्यूज 24 के लिए कैमरामैन अभिषेक वर्मा के साथ शनि वर्मा की रिपोर्ट। तिथि 17/5/2024 को डेड बॉडी गंगा जी जो है में पाई गई। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के पंचनामा और पीएम की कार्यवाही सुनिश्चित कराई गई। धारा 302 आईपीसी का मृतक के भाई की तरफ से अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग के अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन किया गया, जिसमें एक टीम एसएचओ नवाबगंज के नेतृत्व में, एक एडिशनल एसएचओ के और एक टीम सर्विलांस की टीम लगाई गई। इसमें मोबाइल की लोकेशन और साथ ही साथ जो है कुछ है जो मौखिक साक्ष्य, मृतक को उसी के गांव के एक व्यक्ति ने जो छोड़ा था गंगा तट पर, उससे भी पूछताछ की गई और जो नामित 3 अभियुक्त थे उनसे भी गहनता से पूछताछ की गई। और इसके बाद जो है इसमें कन्हैया नाम का अभियुक्त प्रकाश में आया। कन्हैया को गिरफ्तार किया गया, उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है और उसके कब्जे से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। मोबाइल फ़ोन में जिस रस्सी से उसके हाथ और पैर मृतक के बांधे गए थे वो फोटो भी प्राप्त हुआ है। सर, हत्या की क्या वजह? हत्या की वजह सुरेन और कन्हैया का विवाद। नामित 3 अभियुक्त जो है उसी गांव के बगल के रहने वाले हैं, किशन, छत्रसाल और राजेश। इनसे 1 नवंबर 2023 को जमीनी विवाद को लेकर के झगड़ा हुआ था, जिसमें मृतक और अभियुक्त कन्हैया के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। इस अभियुक्त ने उसी का जो है बदला लेने के लिए कि तीनों जो नामित अभियुक्त हैं उन्हीं के पास डेड बॉडी को बांध करके और मड़िया के पास छोड़ दिया था। अभियुक्त की को जो है कि जो दोस्ती है जिससे कि मुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा, और जो किशन हैं, छत्रपाल हैं और राजेश हैं वो जेल चले जाएंगे 302 में और मैं इस तरह से बच भी जाऊंगा, और जो अपना जो है अभियोग पंजीकृत हुआ इसके विरुद्ध उससे ये मुक्त भी हो जाएगा। अभी अन्य आरोपी जो है वो क्या पकड़े गए हैं? नहीं, इसमें 3 नामित अभियुक्त थे, उन 3 नामित अभियुक्तों से गहनता से पूछताछ की गई। उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। इस तरह से तीनों की नामजदगी गलत पाई गई। कन्हैया ही मास्टरमाइंड है और ये जब डेड बॉडी प्राप्त हुई वहाँ भी मौजूद था, पोस्टमार्टम के समय भी मौजूद था, अंतिम संस्कार में मौजूद था और साथ ही साथ जो है इसको मृतक को खुजवाने में भी परिजनों के साथ लगा हुआ था। जो पूरी टीम ने बहुत ही अच्छे तरीके से केस का सफल अनावरण किया है, इसमें एसएचओ नवाबगंज एवं उनकी पूरी टीम को 25,000 नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।